हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया जीके एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स पार्ट वन। ठीक है, तो जो एज़ प्रॉमिस्ड लास्ट हमने केमिस्ट्री का जो लेक्चर किया था, तो मैंने वहाँ पे आपको कहा था कि अब हम कुछ वीडियोस पॉलिटी से बनाएंगे। तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा, सबसे पहले स्टार्ट किया है मैंने फंडामेंटल राइट से, जो एग्जामिनर का भी फेवरेट है। काफ़ी सारे डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट किया है। और साथ ही इसमें मैंने इसको हिंदी लैंग्वेज में भी साथ ही ट्रांसलेट करके लिखा है, सो दैट के कई बार क्योंकि जो लैंग्वेज है, जो इसका जो टर्म होती है, डेफिनेशन होती है, वो समझ नहीं आती, तो हिंदी में साथ के साथ आपको अंडरस्टैंड करने में इसको आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 जो है वो फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन के बारे में हमें बताता है, जो उसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में क्या आता है कि जो टर्म स्टेट है वो डिनोट करती है कि यूनियन को और स्टेट गवर्नमेंट्स को। यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो स्टेट का मतलब, वो जो भारत, जैसे हमने भारत को एक स्टेट का ही जगह लिखा जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की राइटिंग है वहाँ पे लिखा जाता है कि स्टेट विल नॉट डू सच एंड सच, और जो भी है वो भारत के लिए डिनोट किया जाता है। तो स्टेट में क्या आता है, यूनियन आता है और स्टेट गवर्नमेंट आता है। भारत का जो स्ट्रक्चर है तो वो यूनियन है, ना कि फेडरेशन है। फेडरेशन के बारे में मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फेडरेशन में जब भी, फेडरेशन क्या होता है, एक यूनियन, जो स्टेट्स होती हैं उनका एक यूनियन होता है, यूनाइटेड होती हैं वो, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो कुछ स्टेट्स को यूनाइट करके बनाया गया है। फेडरेशन में ये होता है कि फेडरेशन से स्टेट अपने आप को कभी भी अलग कर सकती है, लेकिन यूनियन में ऐसा कभी नहीं होता। यूनियन में ये होगा कि स्टेट से एक नई स्टेट बन सकती है, दो स्टेट्स को मर्ज किया जा सकता है, या एक स्टेट का एरिया बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ऐसा होता है। बट यूनियन का फेडरेशन से जो मेन डिफरेंस यही होता है कि फेडरेशन से स्टेट अलग हो सकती है, लेकिन यूनियन से कभी अलग नहीं होती। तो स्टेट का मतलब, स्टेट में क्या क्या चीज़ें आ गई, स्टेट में एक तो आ गया जो यूनियन गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, और जो उसमें स्टेट गवर्नमेंट आ गई, ये दोनों चीज़ें आ गई। हमारा जो भारत का सेकेंड जो है, इसमें भारत का जो पार्लियामेंट है, जो भारत की विधानसभा है, लोकल और जो हमारी और अथॉरिटीज़ हैं, जो भारत की टेरिटरी के इनसाइड हैं और जो जिन पे भारत सरकार का कंट्रोल होता है, तो वो सारा इसमें डेफिनेशन में आता है। जैसे लोकल और अदर अथॉरिटीज़ का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, जैसे कि आप एक कंपनी ले लो, जैसे LIC हो गया, या हमारा पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वो इसी टर्म को डिनोट करता है, फाइन। तो उसके बाद आर्टिकल जो 13 है वो है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये थोड़े से हैवी वर्ड्स हैं, अगर मैंने इसको, ये वर्ड्स तो थोड़े कम ही हैं लैंग्वेज में, बट ये थोड़ा सा समझने के लिए हमें थोड़े मुश्किल होते हैं। तो इसको डेफिनेशन के थ्रू मैं बताता हूँ आपको। लॉज इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होगा कि कोई भी ऐसा लॉ जो उसकी फंडामेंटल राइट्स की डेरोगेटरी हो, फंडामेंटल राइट्स का जो पर्पज़ है उसको, वो पर्पज़ को पूरा ना होने दे। तो उसमें क्या आ गया कि स्टेट विल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे फंडामेंटल राइट्स। स्टेट कोई भी ऐसा लॉ, भारत जो है स्टेट, फिर से यही स्टेट ही लिखा है, आप इसको स्टेट्स मत समझना। स्टेट्स तो जो बहुत सारे राज्य हो गए भारत के, वो हो गया। स्टेट विल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे फंडामेंटल राइट्स, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीन ले, ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो उसको बार किया गया है यहाँ पे, एनी लॉ मेड टू कंट्रावेंशन टू दिस क्लॉज विल बी कंसिडर्ड वॉइड। कोई भी ऐसा लॉ बनाया गया जो कि इसका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो, उसको वॉइड करार दिया जाता है। तो इसको यहाँ पे आप ऐसे भी याद कर दो, कोई भी ऐसा कानून जो आर्टिकल 13 का उल्लंघन करेगा उसे निरार्थक माना जाएगा। वॉइड का मतलब होता है निरार्थक माना जाएगा। तो होप कि आपको ये दोनों समझ आ गए होंगे कि जो आर्टिकल 12 है उसमें जो स्टेट को डिनोट करने का मतलब क्या है, उस पर फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन आ गई, और जो आर्टिकल 13 है तो उसमें जो लॉज हैं कुछ हमें बार किया गया है, जो स्टेट को बार किया गया है कि कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को पूरा ना होने, जो उनका पर्पज़ है, वो आ गया। तो अब आगे राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक लिखे हुए हैं, इसमें आर्टिकल 14 आता है सबसे पहले, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इसकी साथ ही डेफिनेशन हिंदी में, इससे मेरे ख्याल से आपको काफ़ी हेल्प होगी, आप इसको अच्छे से याद करना। कानून सबके लिए एक है, चाहे वो अमीर और गरीब हो, कोई भी पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ है, राजनेता हो, चाहे कोई भी वर्कर हो, डेली बेसिस का वर्कर हो, चाहे वो कोई टॉप का पॉलिटिशियन हो, तो कानून सबके लिए एक है। संविधान ने यही है सबसे बड़ी एक, कि सबको एक निगाह से देखा जाता है, उसमें ये नहीं है कि कोई राजनेता आता है तो उसके लिए कोई और टर्म है
और कोई वर्कर आता है या कोई गरीब आता है जो उसमें, वैसे तो चलो भारत का जो संविधान है उसके अकॉर्डिंगली तो सभी की अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी कुछ किया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 याद रख लेना आप, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 14, 15, 17 या 25, कुछ भी ऐसा ऑप्शन, तो आपने आर्टिकल 14 मार्क करना है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी तरह का पक्षपात रोकना जो कि किसी भी नागरिक से उसकी जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एज दिया गया है जो नागरिकों को, कि नागरिक को उसकी जाति के आधार पर, उसका धर्म, ठीक है, जो जैसे माइनर कम्युनिटीज़ होगी, माइनॉरिटीज़ होगी, जन्म स्थान के आधार पर, जैसे कि आप भारत के किसी भी जो कम डेवलप्ड जगह हो वहाँ से आए हो, तो आपको किसी और तरह से आपके ऊपर भेदभाव नहीं किया जा सकता, सबको एक ही रैंक किया जाता है, सभी नागरिकों को एक ही रैंक दिया जाता है, तो वो आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 जो है वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो उसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, पब्लिक रोजगार में सबकी समानता का, सबको समानता का अधिकार है, इसे किसी व्यक्ति, वर्ग, समूह या धर्म के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप देखो कि एक पर्सन है जो बच्चे अपने जो रेज कर रहा है, ठीक है, उसके 5000 की इनकम है और एक डॉक्टर है, तो जब कोई एम्प्लॉयमेंट आती है तो ये नहीं है कि आप डॉक्टर हो तो आपके बच्चे को एडमिशन दी जा सकती है, या आप ही किसी, जैसे आप भी प्रेपरेशन कर ले हो एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के लिए, तो उसमें ये बिल्कुल नहीं होता कि एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई एक रिच पर्सन का बच्चा आ सकता है, जो इतना कैपेबल नहीं है फाइनेंशली, तो उसका बच्चा नहीं आ सकता वहाँ पे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और साथ ही किसी धर्म के लिए इसे आरक्षित नहीं किया जा सकता कि कोई भी रोज़गार का, अपॉर्चुनिटी का, कोई भी जैसे आप देखो कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हर जगह हैं आपके पास, या जैसे आप दिल्ली में हो तो आपका जो हो सकता है एक ब्रांच में बैंक मैनेजर हो वो कोयम्बटूर से हो, ठीक है, या कोई एक ब्रांच मैनेजर है वो पंजाब से हो, ठीक है, तो ये है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी की वजह से ही ये मौका दिया जाता है, वो है आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये छुआछात का खात्मा, आर्टिकल 17, तो इसमें कुछ ऐसा इतना नहीं है। आर्टिकल 18 जो है वो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, तो एबोलिशन ऑफ टाइटल का मतलब क्या है, जो खिताब पहले यूज़ किया करते थे लोग हमारे, जो प्रोविंसर के मेनली, तो जो प्रोविंसेस के राजा थे वो यूज़ करते थे, तो उनको ख़त्म कर दिया गया। तो आप अगर पढ़े लिखे हो आप, ठीक है, तो कोई आप उसको, आपका रैंक मिलता है तो वो आप उसको रिटेन करके रख सकते हो, या मिलिट्री में हो आप, ठीक है, तो वो आप खिताब रख सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप कि अपने आप को, जैसे आप एपिसोड में भी देखे होगे पुराना जो कोई भी आता हो कि सावधान होशियार, ऐसा कुछ भी जो पहले होता था वो ख़त्म कर दिया, जैसे पहले लोग सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, राजाधिराज, ऐसे खिताब अपने ही रखते थे, वो सब ख़त्म कर दिए गए, अब हम सब भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो आप उसको ध्यान रखना कि जो आर्टिकल 18 है वो है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, और आर्टिकल 17 है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आप एक दो बार इसको पढ़ोगे और क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे अपने आप को, तो ये आराम से आपको याद हो जाएगा। बेसिकली आप इसको हिंदी में याद करने की कोशिश करना। उसके बाद है आर्टिकल 19, ये बहुत ही आपके लिए नॉलेज की चीज़ है, एक तो ये क्वेश्चन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंडली आपको खुद को पता चलना चाहिए कि आपके राइट्स कहाँ, कौन कौन से राइट्स हैं आपके। तो इसमें आर्टिकल 19 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबलिंग, मीटिंग, या कुछ भी ऐसा, मतलब आप कहीं पर भी निहत्थे एकत्रित हो सकते हो विदाउट कैरिंग आर्म्स, ठीक है, आप कहीं पर भी यूनियंस बना सकते हो अपनी, आप भाषण दे सकते हैं, प्रेस की आज़ादी वगैरह सारा कुछ इसी में आता है, आप कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं भारत में, ये नहीं है कि आप अगर दिल्ली में हो तो आप दिल्ली में ही रह सकते हो, आप यूपी भी घूमने जा सकते हो, आप कन्याकुमारी भी घूमने जा सकते हो, और कहीं पर भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं भारत में सिवाय जम्मू कश्मीर के, क्योंकि वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका अपना है। 370 जो हमारा आर्टिकल है थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है ये, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, और भारत के किसी भी हिस्से में आप सेटल हो सकते हो। तो ये सब आर्टिकल 19 में है, तो ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि हमारे जो आर्टिकल 19 के अंडर ये हमारे राइट्स हैं कि हम कहीं पर भी भाषण दे सकते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं जो अपनी थॉट है, राइट। तो उसके बाद है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन इज रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब तक कानून की उल्लंघना ना हो किसी का दोष सिद्ध नहीं माना जा सकता। जैसे आप देखो कि आप कभी न्यूज़ में भी देखोगे तो किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगता है तो उसको दोषी नहीं लिखा जाता, आरोपी के ऊपर चार्जेस हैं आप ऐसा किया जाता क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगा है लेकिन वो दोषी सिद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल 20 ही इस चीज़ से बार करता है किसी को कि जब तक प्रूव ना हो, उसका गिल्ट प्रूव ना हो तो उसको दोषी नहीं माना जा सकता, और किसी को एक ही जुर्म के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती। इसका मतलब यह है कि मान लो किसी ने एक चोरी की, उसको 3 महीने की कैद होगी, 6 महीने बाद उसको फिर से बुला लिया जाता है कि यार तुमने इतनी देर पहले चोरी की थी तो चलो तुम्हें दोबारा सजा देते हैं, ये नहीं होता। और किसी को भी अपने खिलाफ गवाही के लिए मजबूर या बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये आर्टिकल 20 में है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल 21 जो है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट जो लिविंग है उसके साथ जुड़ा होता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, और इसको हर्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है, कहते हैं, कहा जा सकता नहीं, कहते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ आप लाइफ को ये नहीं, मतलब कि सिर्फ आपने ये नहीं कहना कि लाइफ का मतलब क्या है कि दिस इज़ जस्ट ए एक्ट ऑफ ब्रीथिंग, या जैसे ये सिर्फ एक सांस लेना इसको लाइफ कहा जा सकता है। आपको गौरव और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, ठीक है। और जो और राइट्स हैं आपके, साफ़ हवा है, शुद्ध पानी है, आपकी रोजी रोटी, लाइवलीहुड जो आपका है, ठीक है, वो मिलना चाहिए, अच्छी सेहत का अधिकार, ये सारे जो आपके राइट्स हैं ये फॉर्म करते हैं आपकी लाइफ को। लाइफ इज़ नॉट ओनली एक्ट ऑफ ब्रीथिंग की, ठीक है, आप सांस ले रहे हो तो आप जिंदा हो। तो इसका डिप्राइड ऑफ का मतलब किसी से ये नहीं छीना जाना चाहिए। हाँ, अभी हमारा देश में अभी कुछ जगह ऐसे कुछ लैग चल रहे हैं, बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो यही है, शोषण मुक्त जिंदगी का अधिकार, ठीक है। तो जो जैसे आपको पता ही है कि थोड़ा ये वैसे अनफॉर्चुनेट है कि कुछ हमारे जो बिलो पावर्टी लाइन है तो उनको अपने बच्चों को भेजना पड़ता है लेबर के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जाता है उनको, ठीक है, डेली 20-20 घंटे काम करवा के उनको बहुत ही माइनर से ये एक वेजेस दिए जाते हैं। उसके बाद ये सारा कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है, वो कम से कम ज़रूरतें जिनसे एक ज़िंदगी जी जा सकती है। ये थोड़ा आपको लगेगा कि अलग से कुछ लिखा है मैंने, बट यही है इसका मतलब, जो आर्टिकल 21 है इसका मतलब यही है, ठीक है, लाइफ में इतना कुछ आ गया आपका। उसके बाद आर्टिकल 21A, ये बाद में ऐड किया गया था, तो ये किया गया 86th अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, उसमें ऐड किया गया था आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। तो ये है स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर, 6 से 14 साल के बच्चों को स्टेट ने, ना कि स्टेट्स ने, आप ये न मत समझना कि यहाँ पे दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा की बात आ गई, स्टेट मतलब सरकार, तो उनको बच्चों को जो 6 से 14 साल के हैं उनको फ्री एजुकेशन देनी ज़रूरी है और कंपलसरी एजुकेशन। इसके अगेंस्ट कुछ पार्लियामेंट्स में हमारे जो लीडर थे उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया था, क्योंकि ये प्रपोजल था कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ना नहीं देते चाहे इवन होमवर्क नहीं करने देते तो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएँ, ठीक है। तो ये इसमें आ गया आर्टिकल 21A में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर केंद्र और राज्य सरकार ने SSA या सर्व शिक्षा अभियान ऐसा चलाया है, एक अभियान चलाया है ताकि सभी तक एजुकेशन पहुंचे, ठीक है। तो इसमें कुछ फंडिंग जो होती है केंद्र सरकार देती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी का स्टेट गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करती है। आर्टिकल 22 जो है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, इसका मतलब ये है कि कुछ केसेज में जो प्रोटेक्शन होती है अरेस्ट और डिटेंशन, डिटेन करके रखा जा सकता है किसी पर्सन को या अरेस्ट किया जा सकता है, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये आर्टिकल 22। तो इसमें क्या क्या आ गया, किसी भी व्यक्ति को बिना सूचना के हिरासत में रखा जा सकता और वो पर्सन अपना वकील हायर कर सकता है, ठीक है। उसको ये नहीं कि आप यहाँ ये अपना केस लड़ने के लिए ये वकील करो, या आप वकील कर ही नहीं सकते। ये आर्टिकल 22 में आपको ये वैसे भी पता होना चाहिए जो हमारी लाइफ में डेली की हमें ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं, ये नॉलेज। 24 घंटे के अंदर जो हिरासत में लिया गया पर्सन है उसको सबसे पास का जो मैजिस्ट्रेट होता है उसके सामने पेश करना ज़रूरी है, ठीक है। उसे नाजायज हिरासत में नहीं रखा जाता, उसको डिटेन करके नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो ये तो आप न्यूज़पेपर में देखते रहते हो कि कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है कि एक पर्सन को रखा गया, ठीक है ना, तो उसके अगेंस्ट कोई चालान पेश किया गया और ना ही उसे पेश किया गया मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तो ये कंट्रोवर्सी वगैरह चलती रहती है। लेकिन जो
हाउस अरेस्ट पर्सन होते हैं, नज़रबंद व्यक्ति हैं, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते। ये क्यों नहीं लागू होते? क्योंकि वो तो कुछ ऐसे, आप गवर्नमेंट को आशंका रहती है कि कहीं पे कोई गड़बड़ी ना हो जाए, तो इस पर्सन को हाउस अरेस्ट करके रखो, उनके ऊपर ये लागू नहीं होते नियम। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आज का जो पार्ट वन था। होप आपने इसमें से काफ़ी नॉलेज मिली होगी आपको। इसका जो सेकंड पार्ट है मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसको अलग आप अपने फ्रेंड्स के अलग अलग जगह तक पहुंचाइए इस वीडियो को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो नॉलेज है वो सब जगह पहुँचे। ठीक है, आप खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।